राज्य सरकार की ओर से विदर्भ के किसानों को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसा आरोप शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में सिकंदर शाह की ओर से लगाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यवतमाल जिले के किसानों की आवाज दबाई जा रही है। 2020-21 का जो खरीफ हंगाम है जिसमें किसानों का नुकसान हुआ, जिसके कारण सोयाबीन उत्पादक किसान और कपास उत्पादक किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन इस बीच भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से विदर्भ के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसा आरोप शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में सिकंदर शाह ने लगाया। 2020-21 का जो खरीफ हंगाम था जिसमें किसानों का नुकसान हुआ है, प्रति के पहुँच में वापसी का जो पानी आया, वापसी के पानी जो आया तो आई दिवाली के वक्त में किसानों के जो मुंह में आया वह निवाला था, वो निवाला किसानों का छीने गया। जो किसान उत्पादक यानी सोयाबीन उत्पादक किसान है, जो कपास उत्पादक किसान है, कपास उत्पादक किसानों का कपास जो है तो पूरा बर्बाद हो चुका है। सोयाबीन उत्पादक जो किसान था उनका सोयाबीन एकदम निकालने पर आया था, बिल्कुल अपने घर में आने वाला था, वो पानी की वजह से पूरा कोम फूट गया, किसी का बह के चले गया, किसी का काट नहीं पाए। ऐसे वक्त में जो विदर्भा का किसान है, सोयाबीन और कापूस उत्पादक किसान, तो उस किसान का सबसे ज़्यादा भयंकर नुकसान हुआ है। और ऐसे टाइम पे भी महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया देखा जा रहा, तो विदर्भ के किसानों के संदर्भ में रवैया उनका कुछ बराबर नहीं है, क्योंकि विदर्भ के किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और विदर्भ के किसानों को सबसे कम मिल रहा है। क्या हुआ कि पश्चिम महाराष्ट्र का जो किसान है, पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं तो VIP जिले हो गए, और किसानों को 3-4 श्रेणी में बांटा गया है। एक VIP किसान है, एक सर्वसाधारण किसान है, और एक देहाती किसान जो सबसे आखिरी किसान है, तो उसको जो निकट लगा दिए, उसको जो बोला गया कि तू ऑनलाइन कर और ऑनलाइन करके तेरे को उसका फॉर्म भर, तो उसके पास में मोबाइल नहीं है, उसको ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है वो समझती नहीं है, तो किसान ने किसके पास में जाना चाहिए? और सबसे छोटा किसान तो वही है, सबसे ज़्यादा प्रमाण जो है किसान का तो छोटे किसानों का ही है जो आदिवासी भाग में रहता है, ग्रामीण भाग में रहता है। तो उस वजह से हमारी जो यवतमाल जिला है, तो यवतमाल जिला किसान आत्महत्या जिला बोल के पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। वहाँ से हमारी आवाज़ जो है, तो वहाँ से हमारी आवाज़ उठा रहे थे, वो आवाज़ हमारी ऐसा लग रहा हमें कि हमारी किसानों की आवाज़ जो है तो बाहर निकल नहीं पा रही। तो उस आवाज़ को आज विदर्भ जो है तो बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े लोगों की कर्मभूमि है, तो ऐसा हमें लगा कि हम शेतकरी वारकरी संगठन के माध्यम से या हमारे किसानों की जो आवाज़ है तो पूरे विदर्भ में, विदर्भ से मार्फत आप लोगों के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को श्रेणी में बांटा गया है, एक VIP किसान है, एक सर्वसामान्य किसान है और एक देहाती किसान है। जो आखिरी किसान है उसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वही यवतमाल किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है, ऐसा उनका कहना था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़ नागपुर।